नमस्कार, किरण रेसिपी में आपका स्वागत है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप उसको लाइक करें और शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज मैं बनाने जा रही हूँ कॉर्न सलाद। आइए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। एक छोटा चम्मच चाट मसाला, नींबू, नमक स्वादानुसार, काली मिर्च पाउडर, बारीक कटा हुआ गाजर, एक बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च लाल पीला और हरा, बारीक कटा हुआ टमाटर और कॉर्न। कॉर्न सलाद बनाने से पहले आप कॉर्न के बीज निकाल लें और पानी उबाल लें। उबलते पानी में आप इसको डाल दें और 5 मिनट ढक कर रखें। 5 मिनट के बाद आप इसको पानी से निकाल दें, छान लें अच्छे से ताकि इसका पानी निकल जाए और इस तरीके से आपके बीज तैयार हो जाएं। हमने इसको पहले ही छान के रखा हुआ है, तो आप भी ऐसे तैयार कर लें कॉर्न को। आइए अब कॉर्न सलाद बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप एक बाउल ले लें, इस बाउल में कॉर्न डाल देंगे। कॉर्न को आप बाउल में डाल लें। और अब हम इसमें ये गाजर डाल देंगे बारीक कटी हुई, ये डाल दें, और शिमला मिर्च पीली हरी और लाल ये भी आप इसमें डाल दें। प्याज, टमाटर, इन सबको हम अच्छे से मिला लेंगे। अच्छे से मिला लें आप इन सबको। अब हमने इन सबको अच्छे से मिला लिया है, आप भी ऐसे मिला लें इन्हें। अब हम इसमें डालेंगे नमक। नमक डाल लें आप स्वादानुसार। काली मिर्च पाउडर, चाट मसाला, नींबू को काट लें आप ऐसे और इसका बीज निकाल दें, इसको भी निचोड़ दें इसमें। और हम सबको मिक्स कर देंगे। नींबू की जगह आप सिरका भी डाल सकते हैं, सिरका डाल लें। अगर आप तीखा खाना पसंद करते हैं तो आप इसमें हरी मिर्च भी डाल सकते हैं बारीक काट के। तो अब हम इसमें हरा धनिया और हरी मिर्च, ये हमने बारीक काट लिया, इसको भी डाल देंगे। और इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब हम इसे एक प्लेट में लगा लेंगे। प्लेट में लगा लें आप इसे, एक प्लेट ले लें आप। अब हम इस सलाद को प्लेट में निकाल लेंगे। प्लेट में डाल लें आप इसको। स्वीट कॉर्न सलाद बनकर तैयार है, आप भी इसको ज़रूर बनाएं। ये खाने में पौष्टिक तो होता ही है और स्वाद भी होता है। और अधिक रेसिपी जानने के लिए आप हमारे चैनल से भी जुड़ सकते हैं। आप अपना अनुभव किरण से रेसिपी पर शेयर करना ना भूलें।